पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। पहला इस्तीफा तेलंगाना से आया, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को खरी खोटी सुनाते हुए इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। पोन्नाला ने आलाकमान को भेजे गए इस्तीफे में लिखा कि वह अन्यायपूर्ण माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि जब राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 नेता दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने गए थे, तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक्य उस राज्य के लिए अपमान की बात है जो अपने आत्मसम्मान पर गर्व करता है। मैं भारी मन से घोषणा कर रहा हूं कि मैं पार्टी के साथ आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अब उस हालात में पहुंच गया हूं जहां मैं अन्यायपूर्ण माहौल में नहीं रह सकता। पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया जिन्होंने पार्टी की विभिन्न भूमिकाओं में उनका समर्थन किया। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मैया तेलंगाना राज्य के अलग बनने से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चुनावों के ठीक पहले तेलंगाना से आया ये इस्तीफा कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पोन्नाला लक्ष्मैया अपने पत्र में उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें उस पत्र को शेयर किया गया था जिससे वे जुड़े हुए थे। पोन्नाला से टिप्पणी लेने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। तेलंगाना की सभी विधानसभा सीटों पर एक चरण में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।